Once upon a time in a small town, there lived a rich boy named Alexander and a poor girl named Emily. इस तरीके की एनिमेशन स्टोरी बनाने के लिए आपको 6 स्टेप को फॉलो करना होगा। सो स्टेप नंबर 1 में आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना है, जिससे हम अपनी वीडियो की स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। आपको सर्च बार में लिखना है ए रिच बॉय एंड ए पोर गर्ल स्टोरी। आप जैसी भी स्टोरी लेना चाहते हैं, आप सिर्फ टाइटल लिख दीजिए और आपके टाइटल से रिलेटेड यहाँ पर स्टोरी आ जाएगी। एंड यहाँ से हम राइट द फ्रॉम्स ऑफ दिस स्टोरी, यानी फ्रॉम्स जो होते हैं इससे हमारी इमेजेस जनरेट होती है। इन दोनों को मैंने कॉपी कर लिया है एंड नोट्स में यहाँ पर आकर मैंने सेव कर दिया है, जिससे हमारी स्टोरी बनेगी। सो सेकंड स्टेप में हम 11 लैप्स का यूज़ करेंगे वॉइस ओवर के लिए। सो जो मैंने अभी कॉपी किया है, यहाँ पर हम अपनी स्टोरी जो है पेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर नीचे लिखा है जनरेट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरेट, एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड आपकी स्टोरी की वॉइस ओवर यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वॉइस भी प्ले करके देख सकते हैं। आपको जो भी वॉइस अच्छी लगे आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पर हमने वॉइस ओवर जो है यहाँ पर जनरेट पर क्लिक करके करा ली है। एंड यहाँ से आप प्ले करके भी देख सकते हैं। एंड ये जो नीचे की ओर डाउनलोड का आइकन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड ये स्टोरी आपकी जो है गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी वॉइस जो है डाउनलोड हो चुकी है। हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 3 में हम गूगल में सर्च बार में लिखेंगे लेक्सिका, जहाँ से हम अपनी स्टोरी से रिलेटेड इमेज जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर लेक्सिका वेबसाइट ये टॉप वाली पर हम क्लिक करेंगे एंड ये हमारे सामने ओपन होकर आ चुकी है। एंड यहाँ पर हमें जैसा भी फ़ोटो चाहिए, जिस भी स्टोरी से रिलेटेड हमारा बैकग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पर आप सर्च बार में लिख देंगे एंड यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। आप यहाँ से कोई सा भी फ़ोटो सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं ये जो लिपसिंक करेगी, मैं ये वाला है लिपसिंक के लिए ये वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला फ़ोटो। सो यहाँ से मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया है और गैलरी में डाउनलोड कर लिया है। स्टेप नंबर 4 में हम करेंगे बैकग्राउंड रिमूव। यहाँ पर सर्च बार में लिखेंगे बैकग्राउंड रिमूव एंड सबसे टॉप वाली वेबसाइट पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे की ओर लिखा है अपलोड इमेज, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एंड हमने जो इमेज लिपसिंक के लिए सिलेक्ट की थी, डाउनलोड की थी, यहाँ से हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारा बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारा बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। अब आप इसे डाउनलोड कर लें, यहाँ पर लिखा है डाउनलोड एंड ये आपकी फ़ोटो जो है सीधा गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। स्टेप नंबर 5 में आपको डिड AI वेबसाइट का यूज़ करना है एंड यहाँ पर टॉप वाली वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे एंड कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर देंगे एंड यहाँ पर हम ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर लिखा है क्रिएट फ्री AI वीडियोस, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पहले इसे लॉगिन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे एंड हमने जो इमेज लिपसिंग के लिए सिलेक्ट की थी, यहाँ से हम उसे जो है सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने ये इमेज सिलेक्ट कर ली है एंड यहाँ पर आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं एंड ऑडियो भी डाल सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो छोटा सा आइकन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अपलोड योर वॉइस पर जाएंगे एंड फाइल में आकर हमने जो 11 लैब से वॉइस ओवर कराई थी, यहाँ पर हम उसे सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो मैंने ये इतना काम कर लिया है, आपको भी सिर्फ ये 2 काम करने हैं एंड आपकी वीडियो जो है जनरेट हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है एंड यहाँ पर लिखा आ चुका है जनरेट वीडियो। आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है जनरेट वीडियो पर। अगेन से आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ये हमारी जो है वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, इस तरीके से जनरेट हो रही है। सो यहाँ से आप इसे प्ले करके भी देख सकते हैं एंड ये जो ब्लैक कलर का नीचे लिखा है डाउनलोड,
आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो हमें ये कर लेनी है डाउनलोड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डाउनलोड पर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं एंड ये हमारी वीडियो जो है गैलरी में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे डाउनलोड कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी जितनी लंबी वीडियो होगी उतना यहाँ पर टाइम लग सकता है, 1 मिनट, 2 मिनट एंड 20 सेकंड, 10 सेकंड भी लग सकते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से ये हमारी वीडियो जो है, यहाँ पर डाउनलोड अगेन पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारी वीडियो जो है गैलरी में सेव हो जाएगी। एंड स्टेप नंबर 6 में आपको करनी है एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आप कोई सा भी ऐप यूज़ कर सकते हैं, मैं इनशॉट एप्लीकेशन यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो काइनमास्टर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम सभी इमेजेस जो है सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने बैकग्राउंड के लिए लेक्सिका से ली थी। अपनी स्टोरी से रिलेटेड आपको लेक्सिका से वेब ले लेनी है एंड कैनवास पर आकर आप यहां से YouTube वीडियो का साइज़ सिलेक्ट कर लें एंड यहां से अगेन से हम कैनवास पर जाएंगे और इसे हम बिग कर लेंगे, यानी ये पूरा फ्रेम जो है इसका फुल फ्रेम हो जाना चाहिए, ये ब्लैक वाला पार्ट हमारा नहीं रहना चाहिए। सो इस तरीके से हमने फुल फ्रेम में ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है। आपको वन बाई सभी को वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको पीप पर आना है। पीप पर आने के बाद यहाँ पर हमने जो वॉइस ओवर कराई थी लिपसिंग, यहाँ पर हम इसे सिलेक्ट करेंगे पीपिंग पर और यहाँ पर लिखा है कट आउट, आपको कट आउट करना है। एंड मास्क पर आकर ये गोल वाले राउंड पर हम क्लिक कर देंगे एंड आप इसे एडजस्ट कर ले, छोटा बड़ा आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये इसे एडजस्ट कर लें। तो इस तरीके से आप फ़िल्टर भी यहाँ पर लगा सकते हैं, फ़िल्टर पर आकर आप जूम आउट एंड जूम इन भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जूम इन, जूम आउट, आपको 1 बाय 1 सभी ये इमेजेस में इस तरीके से कर लेना है। आपको इस तरीके से अपनी वॉइस के अनुसार फ़ोटोज सिलेक्ट कर लेनी है इमेज एंड इस तरीके से आप यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। आपको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक चाहिए सो आप यूट्यूब की लाइब्रेरी से डाउनलोड कर सकते हैं ईज़िली। सो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसका साउंड जो है कम कर लेती हूँ। करने के बाद मैं इसे टिक कर देती हूँ एंड ये जो इंसर्ट का वाटरमार्क है इसे हम कट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड फिर रिमूव पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। यहाँ पर हमने फ्री रिमूव कर दिया है एंड यहाँ पर सेव लिखा है ऊपर, यहाँ से हम इसे सेव कर लेंगे। अभी आपकी वीडियो बिल्कुल रेडी है। Once upon a time in a small town, there lived a rich boy named Alexander and a poor girl named Emily. Alexander was the heir to a wealthy family, while Emily's family struggled to make ends meet. Despite their different backgrounds, fate brought them together one sunny afternoon. It was a warm summer day when Alexander happened to pass by Emily, who was sitting by a tree in a local park. He noticed her radiant smile and the way she admired the beauty of nature despite her modest attire. Intrigued by her genuine happiness, Alexander approached her and struck up a conversation.